नमस्कार साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो तो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध विवाद। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आज इस टाइम की ज्वलंत मुद्दा है, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्यों रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और क्या रीज़न था कि यूक्रेन युद्ध में कूद गया, जबकि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो रूस का सामना कर सके। फिर भी यूक्रेन क्यों युद्ध करने लगा और रूस क्यों यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। और इस समय मुद्दा ये बना हुआ है कि पुतिन ने कहा है कि हम जो है यूक्रेन पर परमाणु हमला करेंगे। हालांकि बात फैलाई जा रही है कि परमाणु हमला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बात है। उन्होंने केवल ये डिटेंड किया है, यानी बात रखी है कि हम परमाणु हमला कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से देश जो है वो यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की सोच रहे हैं, यानी यूक्रेन का सामने रख के परमाणु हमला करने की सोच रहे हैं, इसलिए जो है रूस ने ऐसा कहा है। चलिए इसका इतिहास समझते हैं कि आखिर में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध क्यों छिड़ गया। तो इस मुद्दे को समझने से पहले हम दो पॉइंट्स को समझेंगे जिसकी वजह से ये पूरा विवाद समझ में आएगा। तो उसमें एक पॉइंट है, वो है नाटो। नाटो के बारे में अगर हम जान जाएंगे कि नाटो क्या है, तो ये विवाद और ये झगड़ा भी समझ में आएगा। और दूसरा हम बात करेंगे यूएसएसआर की, यानी सोवियत यूनियन की बात करेंगे। अगर ये दो चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं तो ये विवाद भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे नाटो की। तो नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ एटलांटिक कंट्रीज जितनी भी हैं। नॉर्थ एटलांटिक कौन से हैं? एक तो नॉर्थ अमेरिका पूरा है, इधर देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कनाडा जिसमें है, और इधर जो है यूरोप है इस तरीके से, और उसके बाद इधर जो है वो रशिया है। ठीक है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये अटलांटिक ओशन है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज के बीच में एक ट्रिटी है, एक संधि है, जिसे कहा जाता है नाटो। नाटो का जो मुख्यालय है, क्योंकि परीक्षा छोटी परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम। तो इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और ये क्या है? ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सैनिक संगठन है, यह एक सैनिक संगठन है। इसके साथ साथ ये राजनीतिक भी है, यानी पॉलिटिकल भी है। तो सैनिक और राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है। आखिर में नाटो जो है वो अस्तित्व में क्यों आया, इसका क्या रीज़न है, क्यों नाटो बना, और यूक्रेन जो है वो नाटो में क्यों जाना चाहता है, तो इसकी बात करेंगे। तो देखिए, ये है सैनिक संगठन है और राजनीतिक दोनों है। इसमें जो सदस्य देश हैं, अगर सदस्य देश की बात करें तो इसमें जो है वो 30 सदस्य हैं, यानी 30 सदस्य देश कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका के और यूरोप को मिला के जो है कुछ प्रमुख शक्ति वाले देश जो है वो इसमें है, यानी 30 सदस्य हैं। और आखिर में अस्तित्व में क्यों आया, तो हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। 1917 से पहले, 1917 से पहले रशिया जो था उसको रशियन एम्पायर कहा जाता था, रशियन एम्पायर कहा जाता था। ठीक है, तो 1917 से पहले, फिर 1917 में क्या हुआ कि रशियन एम्पायर टूट गया। रशियन एम्पायर जब टूट गया तो क्या हुआ, यूक्रेन रशिया का भाग था, तो रशियन एम्पायर टूटा तो जो है
1922 में यूएसएसआर बन गया, यानी सोवियत यूनियन बन गया। तो जब सोवियत यूनियन बना तो ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी, ठीक। तो पूर्वी और पश्चिमी शक्तियों के बीच में टकराहट पैदा हो गई। टकराहट का मतलब तनाव हो गया। तो जो इधर पश्चिमी यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देश थे, उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो पूर्वी शक्ति यानी यूएसएसआर का सामना कर सके। तो उसी समय ये नाटो जो है अस्तित्व में आया। हालांकि 1917 से 1922 के बीच में ये केवल तनाव की वजह से ऐसा विचार रखा गया था, हालांकि ये बनाया नहीं गया था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है नाटो अस्तित्व में आ गया। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। नाटो की स्थापना जो हुई वो 4 अप्रैल 1949 को हुई, और कौन सी संधि के तहत हुई, हो सकता है कभी पूछ ले, तो है वो वॉशिंगटन संधि। वॉशिंगटन संधि हुई 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें 12 देश ही थे, तो उनके बीच जब संधि हुई तो ये नाटो अस्तित्व में आया। अब नाटो का मतलब रशिया जो है वो नाटो को लेकर इतना ज़्यादा क्यों तनाव में है? तो नाटो में टोटल 30 देश हैं। ये एक हमने बताया ये कि ये सैनिक संगठन यानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर इन 30 देशों में से अगर हम किसी एक देश पे आक्रमण कर दें, यानी अगर किसी एक देश पर हमला हो जाए, तो वो पूरे के पूरे 30 देश अपने ऊपर हमला समझेंगे और उनका जवाबी कार्यवाही करेंगे। तो यूक्रेन भी चाहता है कि हम नाटो के सदस्य हो जाए, चूंकि यूक्रेन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो रशिया का सामना कर सके, तो वो चाहता है कि हम नाटो का सदस्य हो जाएंगे, तो हमें जो है वो 30 देश जो है हमारी मदद करेंगे, तो हम जो है रशिया का सामना कर सकेंगे। अभी हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा वो चाह रहा है और क्यों ऐसा वो नाटो में जाना चाहता है और वो क्यों यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना। तो नाटो के बारे में कुछ पॉइंट था जो हम बताए। अब हम बात करेंगे यूएसएसआर की, आखिर में यूएसएसआर क्या है और क्यों ये जो है विवाद बना हुआ है। तो देखते हैं यूएसएसआर, इसको जो है इसका जो शॉर्ट नेम है वो है सोवियत यूनियन, और इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी ये जो है क्या है, ये जब 1900 हमने बताया 1917 में रशियन एम्पायर टूटा, तो 1922 में जो है वो यूएसएसआर बना। यूएसएसआर में जो आज के टाइम में देखें तो रशिया को लेकर बाकी अदर 15 देश हैं, यानी टोटल जो है रशिया प्लस 14 देश और हैं। यानी जब यूएसएसआर 1991 में टूट गया तो 15 देश अलग हो गए, ठीक है। तो रशिया जो यूएसएसआर रहा है वो 1922 से लेकर 1991 के बीच में रहा, और 1991 में ही जो है यूएसएसआर टूट गया, रशिया अलग हो गए, बाकी 14 देश और अलग हो गए। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन जो है, हम थोड़ा मैप से समझ लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए मैप से कि जब 1991 में यूएसएसआर टूटा तो 15 देशों में टूट गया। अब देखिए दिक्कत क्या है कि ये है रशिया, और रशिया के आसपास जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो कंट्रीज दी हुई है, ये वो कंट्रीज हैं जो नाटो के सदस्य हैं। कौन कौन सी? एक नंबर पे है इस्टोनिया, फिर लात्विया, लुथानिया, तीन ये। उसके बाद फिर है पोलैंड, उसके बाद जो है स्लोवाकिया, फिर हंगरी और रोमानिया। तो जो ये देश इसके बॉर्डर पे लगे हुए हैं, ये सभी नाटो के सदस्य हैं। नाटो जो है वो एक तरीके से उन देशों का संगठन है जो रशिया के दुश्मन है, क्योंकि नाटो का मुखिया जो है वो यूएसए बना बैठा हुआ है,
और यूएसए और रशिया के बीच में हमेशा तनाव रहा है। तो रशिया ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसकी सीमा को इतने देश घेरे हुए हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाता है, बेलारूस नाटो का सदस्य नहीं है और यूक्रेन नहीं है, ये यूएसएसआर के हिस्सा थे, ये सब जब टूटा यूएसएसआर तो ये जो है अलग हो गए। तो रशिया, अब देखिए यहाँ पे नाटो के सदस्य का देश यानी एक तरीके से रशिया के दुश्मन देश समझ लीजिए कि यहाँ पे है, मॉस्को यहाँ पे पड़ता है जो कि उसकी कैपिटल है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य हो जाता है तो यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है, यानी यहाँ से बॉर्डर जो बन रहा है यहाँ से मॉस्को की दूरी 1600 किलोमीटर है। लेकिन जब यूक्रेन इसका सदस्य बन जाएगा तो ये महज 640 किलोमीटर रह जाएगी, यानी कैपिटल से जो दुश्मन देश की सीमा है, चूंकि यूक्रेन अगर इसका सदस्य बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो यूएसए के पक्ष में चला जाएगा, और यूएसए के अगर पक्ष में चला गया तो रशिया का विरोधी बन जाएगा। तो रशिया का विरोधी बन जाएगा, इसका मतलब है कि उसकी सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। तो रशिया इसी बात को दबाव देकर बार बार कहता है कि यूक्रेन से कहता है कि आप जो है नाटो के सदस्य ना बनिए, क्योंकि हमारी जो सीमा हो जाएगी वो असुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर मॉस्को सिर्फ 640 किलोमीटर दूर ही रह जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि मॉस्को जो है वो अमेरिका के जस्ट नज़दीक हो जाएगा, अमेरिका को राजधानी पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाएगा, और किसी देश की अगर कैपिटल पे दबाव बन जाता है तो समझिए वो देश सुरक्षित नहीं रह जाता है। तो रशिया इस मुद्दे को लेकर बार बार यूक्रेन से कहता है कि जो है वो नाटो का सदस्य ना बने। लेकिन यूक्रेन क्यों चाहता है नाटो का सदस्य होना, ये भी समझिए। रशिया के बहुत बहुत ही बड़े नेता थे व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि यूक्रेन जब यूएसएसआर से अलग हुआ तो वो उसी तरीके से अलग हुआ जैसे कि किसी इंसान का जो है सर धड़ से अलग कर दिया जाए। यानी यूक्रेन जो है वो इतना महत्वपूर्ण रशिया के लिए था कि समझिए किसी इंसान का सर हो। तो उसने कहा कि हमने यूक्रेन को जब गंवाया तो उसी तरीके से गंवाया जैसे किसी इंसान से उसका सर अलग कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं रशिया के लिए यूक्रेन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन यूक्रेन क्यों जाना चाहता है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो क्षेत्र कहलाता है ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी में ये टापू जो कहलाता है ये कहलाता है क्रीमिया। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे आक्रमण करके जो है वो अपने हिस्से में कर लिया, जबकि ये यूक्रेन का टापू था, यूक्रेन का हिस्सा था, और इस पर जो है रशिया ने आक्रमण किया और जो है 2014 में अपने अंडर कर लिया। अब यूक्रेन को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है रशिया हमारे ऊपर जब भी आक्रमण करे तो पूरा का पूरा देश ही हमारा चला जाएगा उसके हिस्से में, क्योंकि हमारे पास इतनी सेना मजबूत नहीं है कि हम रशिया का सामना करें। आखिरकार वो रशिया का एक भाग ही तो था। तो इस लालच में इसने जो है 2008 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, और उसके बाद 2014 में ही नाटो देशों ने इसको लालच दे दिया कि जो है यूक्रेन हमारा हिस्सा बनेगा। ये मुद्दा जब उठा, जब 2021 में यूक्रेन को फिर से नाटो ने आश्वासन दिया कि जो है हम तुम्हें नाटो में शामिल करेंगे, तो यूक्रेन को एक तरीके से भरोसा हो गया कि जो है नाटो हमारी मदद करेगा। अब हुआ ये कि यूक्रेन ने रशिया से पंगा तो ले लिया, लड़ाई तो कर ली, लेकिन हुआ ये कि वही कहते हैं ना कि किसी को उकसा के लड़ाई करवा दो और बाद में पीछे हट जाओ। नाटो ने भी वही किया, नाटो ने कहा कि तुम युद्ध करो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, यानी तुम अगर आगे चलोगे तो हम पीछे चलेंगे। लेकिन जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया तो नाटो के चेयरमैन या नाटो ने इस बात से मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, कहा कि तुम हमारे सदस्य नहीं हो इस समय, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो नाटो ने सीधे सीधे मना कर दिया। अब यूक्रेन में यह हालत हो गई है कि यूक्रेन में जो है न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना है। तो जो कि यहाँ से यूक्रेन ने क्रीमिया को गंवा दिया, इसलिए यूक्रेन भी चाहता है कि हम नाटो के सदस्य हो जाएंगे तो हम बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे एक ये मुद्दा काम करता है कि यूक्रेन को आगे रख के कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो इस पर दबाव बनाना चाहता है। आज की स्थिति ये बन गई है कि
पुतिन ने जो है वो न्यूक्लियर वॉर करने की बात कही है। न्यूक्लियर वॉर करने की बात इसलिए कही है क्योंकि हालांकि कहा नहीं है, एक तरीके से डिटेंशन है, डिटेंशन का मतलब होता है एक तरीके का कथन है, क्योंकि कुछ देश, कुछ यूरोपीय देश इसकी मदद करना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन देना चाहते हैं। तो एक तरीके से पुतिन का जो है एक तरीके से उन्होंने बात रखी है कि अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वॉर करता है, न्यूक्लियर युद्ध करता है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम करारा जवाब देंगे। तो न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तरीके से बताया उन्होंने है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, तो जो है परमाणु शक्ति का प्रयोग अगर यूक्रेन की मदद करने वाले देश करते हैं तो रशिया भी परमाणु शक्ति का प्रयोग करेगा। अब बात उठती है इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि आखिर में यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है। सबसे मुद्दे की बात तो ये है, यूनाइटेड नेशन बनाया क्यों गया? यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाया गया कि विश्व में युद्ध ना हो, एक देश दूसरे देश पे हमला ना बोल दे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन इस युद्ध को रोक नहीं पाया, और ऐसा क्या है कि इसके बीच में वो एक तरीके से कठपुतली बना बैठा हुआ है? तो देखिए, हम जानते हैं कि नाटो के यूनाइटेड नेशन की जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है, यानी 5 स्थायी सदस्य हैं। एक तो यूएसए है, दूसरा रशिया है, तीसरा फ्रांस है, चौथा यूनाइटेड किंगडम है, और पांचवा जो है खुद चाइना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर में यूनाइटेड नेशन ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन का, जो चेयरमैन है उनका, एक महासचिव है, उनका कहना है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपने उसमें बयान दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि युद्ध होने की, हमें तो नहीं लग रहा था कि युद्ध होने की संभावना है, लेकिन युद्ध हो गया। इससे एक तरीके से साफ जाहिर होता है कि यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं लापरवाह है, या एक तरीके से लापरवाही बरत गया। देखिए, यूनाइटेड नेशन के जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 सदस्य हैं, जिसमें रशिया खुद है, युद्ध में लिपटा हुआ है, चाइना रशिया का समर्थन दे रहा है, यूएसए जो है वो विपक्ष में है क्योंकि वो क्रीमिया की तरफ है, बचे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। आपको पता है कि इन पांचों के पास वीटो पावर है। अगर बाय द वे कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं या कुछ करते हैं कि युद्ध को रोकने के लिए, तो रशिया के पास वीटो पावर है, चाइना को उसको समर्थन मिला हुआ है, तो वो वीटो पावर यूज़ करके जो है रेजोल्यूशन रोक देंगे। इसलिए इसमें केवल यूनाइटेड नेशन एक मूक दर्शक बन के रह गया है। दूसरी बात, हमें पता है कि चाइना और रशिया में जो है वो एक तरीके से तानाशाही चल रही है, क्योंकि दोनों ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इस वजह से ये भी है कि दो देश ऐसे हैं जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, यानी एक तरीके से राज जो है तानाशाही शुरू हो गई है। तो इस तरीके से कि अगर दो ऐसे देश जो तानाशाही को मानते हैं वो यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो है इस मुद्दे पर लाचार है। तो सबसे बड़ी जो बात इसमें रही है मुद्दे की, वो ये है कि रशिया ने जो है सुरक्षा को लेकर कहा कि हमारी सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी, इसलिए यूक्रेन को बार बार मना किया युद्ध ना लड़ो। लेकिन यूक्रेन चूंकि नाटो के झांसे में आकर युद्ध लड़ गया और आज उसे भुगतना पड़ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस पे जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई थी, और क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ है। फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।